returns. أبي بكفته. ये दूसरों के दिखाए हुए मंजर को सच जानकर तुम पर शक कर बैठा। तुम्हारी माफी किसी काम की नहीं है शाजी। इश्क का दावा किया था ना तुमने, उसी आशिकी में मुझे भी एतबार कर गए। मुझे मेरी मंजिल में गिरा दिया तुमने। तुम्हें पता है, एक औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका किरदार होता है। और तुमने मेरे किरदार को ऐसी ठेस पहुंचाई कि मेरा तो सारा गुरूर ही टूट गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का? खुद से पूछो, क्या तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी जिंदगी में तुम्हारा खोया हुआ मुकाम वापस दिलवा सकती है? नहीं ना, कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। बस एक मौका दे दो, एक आखिरी मौका, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी शादी का ऐलान करने वाले को ये बातें जेब नहीं देती। वो फैसला मैंने गुस्से में किया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो मान लिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये जो मेरा दिल है ना, ये इस बात को मानने से इनकार करता है कि तुमने मेरी बात का इतबार नहीं किया। आखिरी बार माफ कर दो। बहुत चाहता हूं तुम्हें। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माफी भी नहीं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। इसरा मेरी बात सुनो, इसरा। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना।
डैड का बिजनेस है, तुम संभालो। ये घर भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। इस घर की किसी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है। शासन। लेकिन क्यों? बताया तो तुम्हें। अब इस घर से, इस घर की किसी भी चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं। एक बार पहले भी कोशिश की थी इस घर को छोड़ने की, आप लोगों की मोहब्बत ने वापस बुला लिया था। लेकिन आज एहसास होता है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने। वापस आके अपनी जिंदगी को इतना नुकसान पहुंचा लिया कि शायद उसका जाला मैं जिंदगी भर कर ही ना पाऊं। इस तरह मेरी जिंदगी में कभी वापस आएगी या नहीं मैं नहीं जानता, उसका फैसला है। लेकिन आप लोगों ने मिलकर इस तरह की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया। कि मैं कभी उठ ही नहीं सकता शायद। आप बस मैंने फैसला किया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा, इस घर के लोगों को छोड़ दूंगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से। रुको बेटा। मैं किसी का बेटा नहीं हूं। और ना ही किसी का भाई हूं। इस घर से, इस घर के मकीनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा क्या कसूर है शासे? मैंने तो तब से कभी ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस कुछ भी नहीं मांगा। तुमने ना सही, तुम्हारी बीवी की यही ख्वाहिश थी। निमरा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए, ये घर उसके नाम हो जाए जिंदगी भर के लिए। ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, दे देना इसे। और आप लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। आप लोगों ने साजिश कर करके मेरी जिंदगी में जहर भर दिया। इसकी कड़वाहट शायद कभी ना निकले मेरी जिंदगी से। इसलिए मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं, खुदा हाफिज़। नहीं शाज़िब, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। शाज़िब, तुम नहीं जा सकते। शाज़िब, रुको। दो मोहब्बत करने वालों को अलग करके ये किस चीज का रोना है मामा?
सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। कहने सुनने को आपको चाह रहे हैं। सर मैं मर जाऊंगा तुम्हारी वजह से। ये एहसास होगा ना मेरी जान मिलेगा मेरी की इतनी बड़ी सजा पर तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम्हें सजा देनी मुझे सजा दे दो लेकिन बस माफ कर दो। सारा तमाशा करके मेरे और अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं मान तो रहा हूँ मुझसे गलती हुई है। जी आप जी जी मैं बस आ रही हूँ। प्रेम करत नैनों को दीजो नैन जुड़त है रोए प्रेम की ऐसी लगा के लुट जाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझेगा के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क पूरा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है। जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रहते भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। खाला जान आप ठीक है? खालाजान खाना भी नहीं खाया। खाना खा लें प्लीज। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे शाहजेब को बुला दो बस। बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं मैंने। आ जाएगा शाहजेब।
खाना खा लें तो शाहजेब भी आ जाएगा। आ जाएगा तो खा लूंगी खाना। तुम जाओ फोन करो उसे। बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहा वो। जाओ फोन करो उसे। क्या कहना चाहते हो? मुजरिम हूं तुम्हारा। माफी मांगने आया हूं, आखिरी बार माफ करो। मैं नहीं जी पा रहा हूं इस रात। तुम्हारे बगैर नहीं जी पा रहा। तुम मर जाओ। बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है। अगर मेरे मरने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ये भी कर भी सकता हूं। वैसे भी ऐसे जीने से मर जाना ही है। तुम्हारे किरदार पर बहुतान लगाकर मुझसे गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ। उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुमसे माफी मांग रहा हूं लेकिन तुम जीते जी माफ नहीं कर रही हो। बस एक छोटी सी दरखास्त है, मेरे मरने के बाद माफ कर दो। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन यह भी सच है कि आज तक सिर्फ तुमसे ही इश्क है मुझे। अकेला नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं अगर इसमें तुम नहीं हो। मैं जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। अब कभी वापस नहीं आऊंगा। समझते क्या हो तुम खुद को? जब तुम्हारा दिल चाहा अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया
जब दिल चाहा निकाल के फेंक दिया और जब दिल चाहा वापस आने के लिए फोर्स किया। तुम अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते शाहज़ेब, हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहते हो तो चले क्यों नहीं जाते हो तुम? बार बार मेरे सामने आके मुझे कमजोर मत करो शाहज़ेब। तुम्हारे इस इश्क में मुझे बहुत दुख दिए हैं। अब अपनी इस आशिकी को सर से उतार के फेंक दो शाहज़ेब। कैसा इश्क था तुम्हारा जो जरा से शक के ऊपर टूट गया? पलकों पे बिठाया था मैंने तुम्हें, लेकिन अब तुम मेरी नजरों से भी गिर गए। मेरे पास सच में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माफी भी नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से और कभी मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मेरे मरने का सुनकर तुम्हारी जान क्यों निकल रही है? प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। Oh,
मामा चलिए खाना खाना। भूख प्यास मर गई। एक बार सिर्फ एक बार शाहजेब से बोलो कि आकर अपनी शक्ल दिखा दो। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया, कैसे मनाऊं उसे? तुम्हें उसके ऑफिस का और घर का तो पता होगा ना, मुझे अपने साथ ले चलो रजा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी दोनों से, मुझे अपने साथ ले चलो। कितनी बार मिन्नत कर चुका हूं उनकी, लेकिन अब आपको मैं किस तरह समझाऊं मामा कि अब भाई हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं पूरी कोशिश करता हूं। आप चले यहां से, तो चले ना बाहर चले, मैं मिलवाता हूं आपको शाहजेब से, ठीक है? कब तक यहां बैठी रहेंगी? जब तक शाहजेब नहीं आ जाता, अच्छा आइए मैं आपको मिला दूं। आप बाहर तो आइए, आप बाहर तो आइए, मैं करता हूं। क्या हुआ खाला जान? शाहजेब के कदमों की आहट आ रही है मुझे, शाहजेब यहीं है कहीं, यहीं कहीं आसपास। मामा ये आपका वहम है, वो यहाँ पर नहीं है। वो यहीं है, यहाँ पर नहीं है मामा। मैं आपको मिलवाता हूँ उससे, आप आइए तो सही। शाहजेब तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम? कितना इंतजार करवाया तुमने, कहाँ थे तुम शाहजेब? कहाँ चले गए तुमने माँ को छोड़कर? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ। इस वक्त तुम माफ कर दो मुझे, तुम माफ कर दोगी तो शाहजेब भी माफ कर देगा मुझे, माफ कर। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटों से माफी मांगना माओ के शाय निशान नहीं है। वालदैन को अपने बच्चों की पसंद नापसंद का एहसास होना चाहिए। बहुत कुछ खो दिया, एहसास ना करके बहुत कुछ खो दिया। ये
आपका पोता ही है। इसका क्या नाम नाम क्या है? हमने सोचा कि इसका नाम उसकी दादी रखें। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.